अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जनरल साइंस जो पार्ट वन है हमारा, उसका फिजिकल साइंसेस कवर कर रहे हैं। अर्थक्वेक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम वोल्केनिक इरप्शन डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम एवोलॉन्च भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये इससे इंटर रिलेटेड ही है। ठीक है, हमने नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स का लास्ट टाइम बताया था कि हैजर्ड्स क्या चीज़ है एंड डिजास्टर्स क्या चीज़ है। नेचुरल हैजर्ड्स क्या हैं? जो भी नेचुरल इवेंट्स हमारे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट करते हैं, उनको नेचुरल हैजर्ड्स कहते हैं। और जो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है वो हमारा ह्यूमन के ऊपर, वो हमारा डिजास्टर के तौर पर होता है। वैसे तो दुनिया में जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं वो नेचुरली इवेंट्स हैं, लेकिन जो भी इवेंट्स ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर देते हैं वो हमारे हैजर्ड्स के नाम होते हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हमारे पास आ जाती है आज, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। वोल्केनिक इरप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड मैग्निफिसेंट नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस होता है। वोल्केनोज के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, आपको पहले नो हाउ होगी कि वोल्केनोज होती क्या चीज़ है। वोल्केनोज एक इरप्शन रप्चरनेस होती है, माउंटेन्स में से निकलती है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, आग की फॉर्म में निकल सकती है, स्टीम निकलती है, कुछ भी जो निकलना होता है ना बाहर, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। इसको इरप्शन का नाम ही इसलिए देते हैं क्योंकि वो इरप्ट होके बर्स्ट आउट होता है। ठीक है, वोल्केनोज की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? पॉइंट्स इन अर्थ क्रस्ट विच हैव रप्चर्ड एलोइंग लावा एश रॉक्स एंड गैस टू इरप्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सिज्मिक एक्टिविटी। सिज्मिक एक्टिविटी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन अर्थ प्रोड्यूसिंग सिज्मिक वेव्स, जो भी मूवमेंट आती है ये अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स वगैरह की वजह से, उसको सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन में हमारे पास काफ़ी डेफिनेशंस आ जाती हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इट हैपन्स व्हेन गैस एंड लावा आर डिस्चार्ज फ्रॉम अ वोल्केनिक एक्टिविटी वोल्केनिक इवेंट इन वोल्केनो इज सिंपली अ रप्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन लावा मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस। ये मैग्मा क्या चीज़ है, लावा क्या चीज़ है, लहार, एवोलॉन्च, ये सारे जितने भी टर्म्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं वो मैंने बिल्कुल एंड पे डिस्कस की हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी गैसेस कौन कौन से रिलीज होती हैं हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी काफ़ी स्मेल भी होती है, एब्रेसिव स्मेल, ग्रिटी टाइप स्मेल होती है इसकी, बहुत स्मेली स्मेली सी एयर भी ऐश की वजह से प्रोड्यूस हो जाती है हमारे डिफरेंट एटमोसफेयर्स में। ठीक है, इरप्टेड मैग्मा फ्लोज हॉट पायरोक्लास्टिक फ्लो। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या चीज़ है? ये फ्लो जो है वो रॉक्स का जो फ्लो होता है वो हमारा पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है। ठीक है, पायरोक्लास्टिक फ्लो विच हैव टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स आप बता दें काफ़ी हाई टेम्परेचर्स हैं, 12,000 डिग्रीज एट हाई स्पीड ऑफ, स्पीड उसकी कितनी होती है, अप टू हंड्रेड सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस बता सकते हैं आप, डिस्टेंस इज अप टू 10 किलोमीटर एज फार एज 40 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड एंड टेम्परेचर, जितना ये चेंजेस वगैरह होती हैं उतना इसका इफेक्ट भी मैटर करता है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा स्पीड की वजह से काफ़ी वास्ट एरियाज जो है ना वो हमारे इसके अंदर इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये मैटर करता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या है? रॉक फ्रेगमेंट्स फॉलोइंग अ वोल्केनिक एक्सप्लोजन, वोल्केनिक एक्सप्लोजन के बाद जो रॉक फ्रेगमेंट्स का फ्लो होता है उसको हम पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। ठीक है, डेडलीएस्ट इरप्शन, डेडलीएस्ट इरप्शन जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई है वो 1815 की है, एक्सप्लोजन ऑफ माउंट टेबूरा इन इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या हुआ था कि शॉट 28 माइल्स इन टू द स्काई। ठीक है, और पायरोक्लास्टिक फ्लोज भी काफ़ी सारे हुए थे 28 माइल्स इन टू द स्काई। ठीक है, ये हमारी डेडलीएस्ट इरप्शन कंसिडर की जाती है। हाउ द इरप्शन हैपन्स, ये होती कैसे है? जो लैंड मैस डीप इन टू द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जा रहा है, डिसेंडिंग है, जो अर्थ के अंदर इंटरनली जो जा रहा है वो काफ़ी बहुत ही नीचे जाके काफ़ी डीप सिंक कर जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर डेंसिटी और प्रेशर जो है हमारे मैग्मा के वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स में से पानी निकलता है, और फिर पानी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है मैग्मा का, जिसकी वजह से वो बर्स्ट आउट होता है। चेंजेस इन डेंसिटी एंड प्रेशर इन मैग्मा चैम्बर बीनीथ द वोल्केनो फोर्स लो डेंसिटी लावा इन रॉक्स टू राइज अप एंड बर्स्ट। ठीक है, मैग्मा का डेंसिटी और प्रेशर चेंज की वजह से वो जो जितने भी लो मैस लो डेंसिटी लावा और रॉक्स होती हैं उस सबको पुश अप कर देती है ऊपर की तरफ को, और वो पहाड़ के अंदर से बाहर निकलने शुरू कर देते हैं। हमारे पास कॉजेज़ क्या आ जाती हैं? पॉपुलेशन मूवमेंट आ जाती है, अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कंटिन्यूली शिफ्ट एंड बम्प इनटू वन अनदर, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की सिस्मिक एक्टिविटी जो हम कहते हैं वो, पॉपुलेशन मूवमेंट, चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मैग्मा। वोल्केनिक इरप्शन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्लाउड्स होती हैं, लावा एंड वोल्केनिक बॉम्ब्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैग्मेटिक इरप्शन, फ्रियाटो मैग्मेटिक एंड फ्रियाटिक। ठीक है, ये तीन हमारी इरप्शंस की टाइप्स आ जाती हैं। जब गैस रिलीज होती है, डिकम्प्रेशन ऑफ गैसेस विद इन मैग्मा की वजह से,
उसे हम मैग्मेटिक इरप्शन का नाम देते हैं। ये गैस रिलीज होती है, काफ़ी सारा लावा प्रोड्यूस होता है जिसकी मैग्मा से काफ़ी सारा लावा प्रोड्यूस होता है, डीकम्प्रेशन ऑफ गैसेस। और जो फ्रियाटो मैग्मेटिक है वो कंप्रेशन ऑफ गैसेस है, ये डीकम्प्रेशन ऑफ गैसेस है, ये कंप्रेशन ऑफ गैसेस है, ठीक है। ये फ्रियाटो मैग्मेटिक इरप्शन में हमारे पास ये आ जाता है जो कि पानी के अंदर होती है, लाइक ओशंस के। फ्रियाटो मैग्मेटिक में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आती है, लाइक ओशंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि ओशन के अंदर जो मैग्मा का की हीट आउट होती है वो हमारे वेपर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, फ्रियाटो मैग्मेटिक एक्ट कहते हैं। ये ओशंस में जो वोल्केनोज होते हैं वो हैं। फ्रियाटिक इरप्शंस में हमारे पास आ जाती है स्टीम निकलती है, पहाड़ों वगैरह से आपने देखा होगा स्टीम निकलती है, उसमें ये होता है कि पानी और हीट आपस में इंटरैक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसे फ्रियाटिक इरप्शन कहते हैं। लाइक दिस, एट दिस पॉइंट जहाँ पे ये सेंट्रल है, पानी और जो लावा है वो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से हमारी स्टीम प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, वोल्केनिक ऐश डिस्चार्ज वेरी हाई इन टू द एटमोसफियर, अनप्लेजेंट स्मेल, कोरोसिवनेस आ जाती है एटमोसफियर में, ठीक है। फास्ट फ्लो ऑफ लहार्स बरी द इंटायर टोन टाउन्स, ठीक है। जो लहार्स हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से एंटायर टाउन्स एंड सिटीज़ जो हैं वो सारे लावा के अंदर धंस जाते हैं, दब जाते हैं, सारे उड़ ही जाते हैं, ठीक है, वाइप आउट हो जाते हैं वहाँ पे, जैसे जिंदगी थी ही नहीं वैसे हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय एनी थिंग ऑन द वे। पॉजिटिव इफेक्ट्स में आ जाता है काफ़ी सीनरीज, ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरीज बनती हैं, काफ़ी टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे विजिट वगैरह करने जाते हैं आफ्टर इट हैपन। सॉइल बिकम रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाती है, सॉइल अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, सोर्स ऑफ जियो थर्मल एनर्जी होती है, काफ़ी टाउन्स एंड सिटीज़ को ये जियो थर्मल एनर्जी एज अ सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैनेजमेंट स्टेप्स में हमारे पास क्या रहता है, साइंटिस्ट इसको काफ़ी मॉनिटर अच्छे से कर सकते हैं। साइंटिस्ट मस्ट मॉनिटर वोल्केनोज थ्रू सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स बिल्कुल टॉप ऑफ द वोल्केनो पॉइंट के ऊपर हमें एडजस्ट करने चाहिए, गिविंग सम वार्निंग्स, साइंटिस्ट को वार्निंग्स देनी चाहिए, पीपल को पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए। दीज वार्निंग्स इंक्लूड स्मॉल अर्थक्वेक्स, स्वेलिंग एंड बल्जिंग ऑफ वोल्केनोज, इंक्रीज एमिशन ऑफ गैसेज फ्रॉम द वेंट्स। और साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ वोल्केनोज बता सकते हैं मैग्मा की बिल्डिंग के दौरान, आपको बता सकते हैं कि मैग्मा की स्टेट क्या है, ठीक है। डिफिकल्ट जो टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एवोलांच, एवोलांच क्या है, ठीक है। अ लार्ज मैस ऑफ स्नो आइस अर्थ रॉक मूविंग स्पीडली डाउन अ माउंटेन साइड, कोई भी चीज़ जो कि माउंटेन के साइड से बहुत स्पीडली बहुत तेज़ी से आए, उसे स्लोपिंग डाउन स्पीडीली, ठीक है, रशिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, किसी भी माउंटेन स्लाइड स्लोपिंग से किसी भी साइड से यूं आ रही हो बहुत तेज स्पीड में, उसको एवलांच कहते हैं। अ सडन ओवरवेलमिंग रश और एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग हेट, मैसिव क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट कम्स सडनली एंड स्पीड डाउन अ माउंटेन, हॉट गैस, रॉक, टॉक्सिक गैसेज, ये सब जो हैं वो माउंटेन से जब स्लोप डाउन करें एट द स्पीड ऑफ 450 miles per hour, तो वो हमारे एवलांचेज हैं, ठीक है। लहार्स क्या है, वो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड रॉक है, ठीक है, ये जो मिक्सचर है वो फ्लो डाउन करे स्लोप से उसे लहार कहते हैं, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और वोल्केनिक मड फ्लोज वगैरह लहार के अंडर आ जाते हैं। जो एवलांचीज हैं वो कोई इतने बड़े मिक्सचर वगैरह या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, वो इस तरह है लाइक डेब्रिस कंसिडर कर सकते हैं, माउंटेन डेब्रिस, लेकिन लाहार जो है वो पूरी पूरी चट्टानों का गिर जाना जो होता है उसको लाहार कहते हैं। ये लावा से भी डेडली होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो वो एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। लावा, लावा क्या चीज़ है, मोल्टन रॉक है जो कि अर्थ की सरफेस से बनती है, ठीक है। लेकिन मैग्मा क्या चीज़ है, अंडरग्राउंड मोल्टन रॉक है जो कि बहुत डीप अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो हमारे पास मैग्मा आ जाता है। ये चार हमारे पास टर्म्स थी जो हमारे पास डिफिकल्ट टर्म्स आ रही थी। एवलांच जो है हमारा एक सेपरेट टॉपिक भी है, लेकिन एक ये बहुत लंबा कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एवलांच भी इसमें कवर अप हो जाता है, इतना कोई वास्ट टॉपिक सेपरेट नहीं था, इसलिए मैंने ये वोल्केनोज के साथ डाल दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे, साइक्लोन्स भी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।